नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आप देख रहे हैं आज तक। बाबा विश्वनाथ का भव्य दरबार तैयार है, अब बस लोकार्पण का इंतजार है। प्रधानमंत्री मोदी कल शुभ मुहूर्त पर बाबा विश्वनाथ धाम के नए शानदार परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर पीएम खुद गंगा तट से जल लेकर नए कॉरिडोर होते हुए बाबा का जलाभिषेक करेंगे। अविश्वसनीय, अकल्पनीय बाबा विश्वनाथ मंदिर की ऐसी भव्यता पहले देखी न होगी। सूर्य की रोशनी में बाबा का प्रांगण चमक रहा है। रात की सतरंगी रोशनी में बाबा का दरबार ऐसा लग रहा है मानो सारे तारे जमीन पर आकर जगमग कर रहे हों। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भक्तों को अपनी दिव्यता का एहसास कराने के लिए तैयार है। बस लोकार्पण का इंतजार है, काउंटडाउन शुरू हो गया। कल प्रधानमंत्री मोदी बाबा विश्वनाथ धाम के लिए कलेवर का लोकार्पण करेंगे। 20 मिनट का शुभ मुहूर्त है जो दोपहर 1:37 से दोपहर 1:57 तक चलेगा। सब तैयारी हो चुकी है, लोकार्पण की देरी है, बस लोकार्पण हो जाएगा। वो सब पूरे विश्व के हिंदू धर्मावलंबी आके भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे, अपने को अनुग्रहित करेंगे। और पहले काशी में बहुत सकरी गलियों से होते हुए बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने आना पड़ता था। बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से, बाबा विश्वनाथ जी के प्रेरणा से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इच्छा शक्ति के कारण ये विस्तृत रूप में कॉरिडोर का निर्माण हुआ, मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, ये अलौकिक है। कल कितने बजे प्रधानमंत्री का मुहूर्त है, कुछ बताएंगे? तो 1 से 3 का कार्यक्रम मंदिर के अंदर में है, उस बीच में हम लोग पूजन भी करेंगे, इसका विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी गंगा तट से खुद जल लेकर बाबा विश्वनाथ मंदिर तक बने कॉरिडोर चलकर आएंगे और जलाभिषेक करेंगे। गर्भगृह में पूजन के वक्त पीएम मोदी, पुजारियों और न्यास के सदस्यों के अलावा कोई और नहीं होगा। प्रधानमंत्री के ललिता घाट से आते ही 151 सदस्यों वाला डमरू दल लगातार डमरू का वादन करेगा। बाबा की नगरी काशी के काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप उत्सव के इस माहौल को की अनुभूति करिए, उसे महसूस करिए। कुछ घंटों में यानी कि 13 तारीख को जब ये मंदिर काशी कॉरिडोर खुलेगा तो लोगों के उत्साह का क्या रूप होगा, ये आज से ही दिखने लगा है। हम आपको दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं किस तरीके से लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। इस तरफ महिलाएं हैं, उनके भी नृत्य हैं और ये सब कुछ काशी मंदिर में भगवान जो विश्वनाथ है, बाबा विश्वनाथ के प्रांगण में आप इन चीजों को देख सकते हैं। नव निर्मित बाबा विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के लिए पूरी काशी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। काशी नगरी 11 लाख दीपों से दमकेगी। इस दौरान 30 बड़े कार्यक्रम होंगे। इस भव्य कार्यक्रम के लिए देश भर के 3000 गणमान्य शख्सियतों को न्योता दिया गया है। 500 साधु संतों के शिरकत करने की उम्मीद है। निमंत्रण पत्र में पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी की तस्वीरें हैं। कार्ड में लिखे इतिहास में बताया गया है कि मुगल आक्रांताओं ने काशी विश्वनाथ को भारी नुकसान पहुंचाया। गुलामी के चिन्हों को मिटाने का माननीय प्रधानमंत्री जी का यही प्रयास और यही उनकी अदा प्रत्येक भारतवासी के दिलों पर राज करते हैं कि सिर्फ विकास ही नहीं, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, इस दृष्टि से भी हम दुनिया के सामने गौरव का अनुभव कर सकें, हम सर उठा के जी सकें,
सिर्फ हमारे जीवन में रोटी कपड़ा और मकान ही नहीं है, सम्मान भी जीवन का हिस्सा है। यह धार्मिक सम्मान हो अथवा आर्थिक सम्मान हो, इन दृष्टियों से सोचने के कारण ही तो वो हमारे दिलों पे राज करते हैं। बाबा विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद बीजेपी काशी के हर घर में बाबा का प्रसाद भेजने की व्यवस्था कर रही है। वाराणसी में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। हर विधानसभा को लड्डू तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रसाद वितरण के लिए लगभग 25 लाख की संख्या में लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। 10,000 बीजेपी कार्यकर्ता इस प्रसाद को हर घर में पहुंचाएंगे। वाराणसी में 2 दिनों से 50 महिलाएं लगातार लड्डू बनाने में जुटी हैं। इसमें 7 लाख पैकेट जो है बनने का ऑर्डर है, जिसमें 1 लाख पैकेट बनाने का जो है मंदिर प्रशासन ने हमें आदेश दिया है। उसके लिए जो है हम लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं, 2400 घंटा काम चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी माताएं, बहनें और भाई जितने भी लोग हैं, सभी लोग लगे पड़े हैं। ऐतिहासिक मौके के लिए काशी में जश्न शुरू हो गया। लोकार्पण से बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी सज धज कर तैयार है। काशी वासियों के लिए दिवाली की रात है। आज हर घर में दिए जलेंगे, हर घर जगमग करेगा, हर घर में जश्न मनेगा। रोशन जायसवाल, समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी आज तक।